अगली खबर आ रही है मादक पदार्थों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही को लेकर। इन दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि उक्त अभियान का असर बड़े कारोबारियों पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। इस अभियान से छोटे दुकानदार छुटपुट गुटखा बीड़ी बेचकर परिवार का भरण पोषण करने वाले ही ज्यादातर पकड़ में आ रहे हैं। हालांकि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, लेकिन पुलिस के कहर का शिकार छोटे दुकानदार हो रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती। ताजा मामला धोबिया टंकी का है, जहां बरसों से तंबाकू गुटखा सिगरेट बेचकर परिवार का पालन पोषण करने वाले दुकानदार के पास पुलिस पहुंची और उसी के हाथों उसके दुकान में रखे सिगरेट गुटखा बीड़ी पर आग लगवा दी। बताया जाता है कि पुलिस का कहना था कि स्कूल के पास किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। सच भी है, स्कूल सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से लंबे समय से कई दुकानें संचालित हो रही हैं और पुलिस अचानक पहुंचकर दुकानदार के सामान पर आग लगवा दी, उससे दुकानदार सड़क पर आ गया। दुकानदार ने बताया कि कम से कम 20,000 कीमत का उसके सामान पर आग लगवा दी गई है, जो वह उधारी में लाया था। हालांकि पुलिस को इस तरह की कार्यवाही करने से पहले चेतावनी देना आवश्यक है। आखिर इतने समय से स्कूल के पास कैसे दुकानें संचालित हो रही थी जिन पर आज इस तरह की कार्यवाही करनी पड़ रही है। आपको दिखाते हैं दुकानदार ने क्या कहा है। 10 पुलिस वाले आए थे, 500 मीटर हमारी दुकान है, 10 पुलिस वाले आए थे, पूरा आके पूरा सामान जितना टंगा रहा लेके आए, तुरंत टांगे हैं, पूरा सामान निकाल के हम ही से जलवाए हैं। अब बोल रहे थे नाटक जलाओगे तो जेल ले जाएंगे। तो कितने का आपका नुकसान हुआ है? कम से कम हमारा 10 से 20 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। 10 से 20 हजार की सिगरेट थी? हाँ। तो बेचने के लिए रखे थे, 100 मीटर के अंदर नहीं आ रहा है। 100 मीटर के नीचे बाहर ही है। इसके पहले कोई बोला था आपको? इसके पहले कोई नहीं बोला है, अचानक आए डायरेक्ट यहाँ पे गाड़ी खड़ी करे। पान गुटखा सिगरेट कौन कौन लोग थे? अरे वो पुलिस वाले का नाम नहीं जानता ना, वो बड़ी बड़ी मुंह से वर्मा नाम है। कब से यहाँ पे दुकान लगा रहे हो? अभी 4 महीने से खोले हैं। हमारे दुकान में 8-10 पुलिस वाले आए हैं, जो कि मतलब पूरा सामान दुकान का निकाल कर वहीं पे हमारे हाथों से ही जलवा दिया गया। क्या बोल रहे थे वो? वो बोल रहे थे कि ये 100 मीटर के अंदर पे दुकान आती है, और हम तो आज तक ये नहीं जाएंगे, 100 मीटर के अंदर में दुकान खोलना मना है। आया जला दिए। क्या नाम है आपका? निखिल साहू। नशे के विरोध में जितने भी कार्रवाइयां धरपकड़ अभियान के साथ साथ जन जागरूकता पर भी काम किया जा रहा है, साथ ही साथ जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, जो भी बच्चों के स्कूल हैं उनके आसपास कई बार ऐसी गुमटियां ऐसे स्थल विकसित हो जाते हैं जहां पर लोग आवारागर्दी करने का अवसर मिलता है और बच्चों को तंग करने का अवसर मिलता है। उसे देखते हुए आज विभिन्न डिपार्टमेंट ने पहले एक साथ में मीटिंग की और साथ में फिर विभिन्न टीमें सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम, पुलिस, रेवेन्यू, सभी लोग मिलकर साथ में गए और ऐसे स्थलों पर जाकर उन्होंने जो भी ऐसी दुकानें थी, गुमटियां थी, चाहे वो पान गुमटी हो, चाय गुमटी हो, उन सब पर कार्रवाई आज की है। और इसमें विशेष बात यह है कि विभिन्न डिपार्टमेंट के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और दुकानदारों ने भी इस बात को रियलाइज किया कि उनके द्वारा गुटखा बेचने से, सिगरेट बेचने से जो युवा पीढ़ी है उसको नुकसान हो रहा है और यहाँ पर शरारती तत्वों को जमावड़ा का मौका मिल रहा है। दुकानदारों ने भी आगे बढ़ के पुलिस के इस कार्य में सहयोग किया है और हम लोगों ने भी उनकी दुकानें विस्थापित ना करने का अभी तत्कालिक निर्णय लिया है, क्योंकि अगर वो सहयोग करते हैं दिशा में तो फिर हम लोग उनकी दुकानें विस्थापित करने का निर्णय स्थगित रखेंगे, और अगर उनका सहयोग लगातार मिलेगा तो फिर हमको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। बस इस सब कार्य के साथ साथ हमारे यहाँ नशा मुक्ति के लिए जो हमारे नुक्कड़ नाटक हैं उन्होंने भी काफी तेजी से गति पकड़ी हुई है और उसका भी काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है।